दो गज जमीन आज प्रस्तुत है लेव तोल्स्टॉय की सुप्रसिद्ध कहानी हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री तपेश चतुर्वेदी ने किया है। तो सुनी नाटक दो गज जमीन। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर लूंगा। कितनी अच्छी जमीन है, घास से हरी भरी और उपजाऊ। सूरज छिपते छिपते मैं जमीन का इतना बड़ा चक्कर काट लूंगा कि संसार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बन जाऊंगा। इस घेरे के अंदर आ जाने वाली सारी जमीन मेरी हो जाएगी। सिर्फ 1000 रूबल में इतनी जमीन का मालिक। लेकिन लेकिन बाशकीरों के इस प्रदेश का ये गांव मुखिया अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बदल कैसे जाएगा? पहली मुलाकात में उसने जो मुझसे बात की थी उससे तो ऐसा नहीं लगता था। कितनी अच्छी तरह और कितने अपनेपन से उसने बात की थी मुझसे। ये बात है। तो तुम समारा से यहाँ हमारे सूबे में जमीन लेने आए हो? जी। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अरे भैया, तुम्हें जहाँ जितनी भी जमीन पसंद हो शौक से ले सकते हो। अरे हमारे पास बहुत जमीन है, बहुत जमीन है। मैं जितनी भी जमीन जिस जगह पर चाहूँ ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना और जानना चाहूंगा कि जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जिसे मैं ले सकता हूँ। क्या मतलब? मैं चाहूंगा कि उस हिस्से में से मैं अपनी पसंद की जमीन चुन लूं। एक बात और, देखिए गलत ना समझिएगा। नहीं नहीं, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, वो खुदा के हाथ है। आप भले आदमी हैं, मुझे जमीन दे रहे हैं, क्या पता कल आपके बच्चे मुझसे ये जमीन छीन ले। इसलिए जमीन की नपाई और लिखा पड़ी। देखो भाई, एक बात समझ लो, हम जो बात करते हैं एकदम पक्की करते हैं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए हम वो सब करने को तैयार हैं जो तुम चाहते हो। लेकिन जरा साफ साफ कहो, तुम क्या चाहते हो? शुक्रिया। मुझे किसी ने बताया था कि कुछ दिन पहले एक व्यापारी यहाँ आया था, आपने उसे जमीन बेची थी और बाकायदा लिखा पढ़ी करने के बाद जमीन के कागजात उसे दे दिए थे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाए। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। देखो हमारे यहाँ एक मुंशी है जी, वो शहर जाकर जरूरी कागज ले आएगा और सरकारी मुहर लग जाने के बाद ये लिखा पढ़ी पक्की हो जाएगी। और कुछ? हाँ, जमीन का दाम क्या होगा? अरे बहुत मामूली, 1 दिन का 1000 रूबल। हाँ? मैं समझा नहीं, 1000 रूबल में कितने एकड़ जमीन आएगी? नहीं भाई नहीं, हमारे यहाँ जमीन का दाम इस तरह नहीं लगाया जाता। हाँ? फिर किस तरह लगाया जाता है? हम जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं, दिन के हिसाब से। हाँ? देखो देखो, तुम एक दिन में चलकर जितनी जमीन अपने घेरे में ले लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। क्या? हाँ, अरे हमारी पैमाइश का यही तरीका है भैया, और इसका दाम
एक दिन का 1,000 रूबल। लेकिन एक दिन में तो आदमी दिन भर चलकर काफी जमीन अपने घेरे में ले सकता है। हाँ, ले सकता है। लेकिन हमारी एक शर्त है भैया। क्या? तुम जिस जगह से चलना शुरू करोगे दिन ढलने तक तुम्हें उसी जगह लौट कर आना होगा। अगर तुम सूरज डूबने से पहले उसी जगह नहीं आ सके जहां से चलना शुरू किया था तो तुम्हारा पैसा जब्त हो जाएगा भैया। हाँ। लेकिन आप वो जगह कैसे चुनेंगे जहां से मैं चलना शुरू करूंगा? जगह तो तुम चुनोगे भैया। तुम हमें वो जगह बता देना, हम अपनी टोपी वहां रख देंगे। ठीक है। और उसमें तुम्हारे 1,000 रूबल डाल देंगे। हम सारे दिन वहीं बैठे रहेंगे। हाँ। देखो, तुम उस जगह से चलकर जमीन का चक्कर लगाओगे, हमारे आदमी खूंटियां और हथौड़ा लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जहां कहोगे वहीं वे लोग खूंटियां गाड़ देंगे। ये भी ठीक है। और खूंटियों के घेरे में आने वाली जमीन पर हल चला दिया जाएगा। तुम जैसा चाहो जिस तरह चाहो घेरा बना सकते हो, लेकिन हर हालत में सूरज डूबने तक तुम्हें उस निशान तक जरूर पहुंच जाना होगा भैया, जहां हमारी टोपी रखी होगी। यानी जहां से तुमने चलना शुरू किया था। जितनी जमीन तुम खूंटियों के घेरे में ले लोगे वो सब तुम्हारी होगी। हाँ। ठीक है ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। कल सूरज उगते ही मैं चलना शुरू कर दूंगा। ठीक। कल सूरज उगने से बहुत पहले हम यहाँ होंगे। अरे हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? पाखोम। पाखोम। हाँ तो पाखोम, कल सुबह मुलाकात होगी। हाँ जी। अच्छा। जी अच्छा। मैं शायद 1500 गज पूरे कर चुका हूं। क्यों ना यहां एक खूंटी गड़वा दूं। भाई यहां एक खूंटी गाड़ दो। अच्छा जी। अब तो गर्मी बहुत लगने लगी। लगे गर्मी चाहे जितनी लगे, जो इरादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नताशा, नताशा अब कितनी खुश रहेगी। उसके लिए सारी खुशियां जुटा दूंगा। शहर की जिंदगी जीने वाली उसकी बड़ी बहन तानिया ने उस पर कैसे कैसे व्यंग किए थे, लेकिन नताशा ने भी कितने संतोष भरे उत्तर दिए थे। नताशा। हाँ। तू तो शहर क्यों नहीं चली चलती? अरे इस कच्चे गंदे मकान में तो रहती कैसे है? शहर में देख कैसे खूबसूरत पक्के साफ सुथरे मकान है, कहीं गंदगी का नाम नहीं। वहां की जिंदगी कितनी आरामदेह है, सुंदर कपड़े, बच्चों की पढ़ाई का अच्छा प्रबंध, स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें और मनोरंजन के लिए स्केटिंग, थिएटर, क्लब, घूमने फिरने को बाग बगीचे। नताशा तुम मेरा कहा मान और शहर चल। अरे यह गांव में क्या रखा है? रहने भी दो तानिया, शहर की बहुत गुनगान मत करो। मेरा गांव ही मेरे लिए भला है। जो सुख गांव में है वो शहर में कहां। तू समझती क्यों नहीं नताशा? देख यहाँ की जिंदगी ने तेरी कैसी सूरत बना दी है। ये मोटे छोटे कपड़े तेरे बदन पर कितने अजीब से लगते हैं। यहाँ न रहने का सुख, न खाने पहनने का। अरे इस गांव की जिंदगी में कुछ है भी? जहां तक मेरा सवाल है, देखो भी मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ मानती हूँ कि यहाँ की जिंदगी में कोई हलचल नहीं होती, और ना ही यहाँ दिल बहलाने के लिए वो तुम क्या कह रही थी, वो थिएटर अपेरा वगैरह वो कुछ नहीं है। लेकिन तुम इस सच्चाई को भी मत भूलो कि शहर की तड़क भड़क वाली जिंदगी में या तो कोई बहुत बड़ा व्यापार करो या फिर अपने आप को मिटा लो। अब देखो ना, तुम्हारे पति व्यापार करते हैं ना। हाँ। आज वो अमीर है,
लेकिन कल वो सड़क पर नंगे पांव घूमते भी नजर आ सकते हैं। हैं? हाँ, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हम किसान हैं तान्या, हो सकता है हम कभी अमीर ना बन सके, लेकिन लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ रहेगा। आ हा हा हा, बहुत हो गया, बहुत सुन ली गांव की बड़ाई। ये भी कुछ जिंदगी है। अरे सिर्फ इन चंद जानवरों के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? न पहनने को बढ़िया कपड़े, ना कोई अच्छा संग साथ, फिर भी कहती हो हमारे पास बहुत कुछ है। देखो नताशा, तुम्हारा पति चाहे जितनी कड़ी मेहनत कर ले, तुम्हें रहना इसी धूल मिट्टी में है और मरना भी इसी में है। यही नहीं, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का भी यही हाल होगा। हाँ, समझी कुछ? सुनो तान्या, हम चाहे जैसे रहें, लेकिन हमारे पास कम से कम जमीन तो है, हमें किसी के सामने सिर तो नहीं झुकाना पड़ता। नहीं नताशा, अब तुम्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। और अब किसी जिमीदार का कारिंदा हम पर जुर्माना नहीं कर सकेगा। हाँ, कितना अकड़ कर बोलता था कमबख्त। पाखौन। जी मालिक। तुम्हारा घोड़ा मेरी मालकिन के खेतों में चरता हुआ पाया गया है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ, कल तुम्हारी गाय वहां चर रही थी, इससे पहले भी तुम्हारे जानवर वहां चरते हुए देखे गए हैं। मेरी मालकिन का जो नुकसान हुआ है उसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना होगा। लेकिन कारिंदा जी, मैं तो अपने जानवर बाड़े में बांध के रखता हूँ। क्या नहीं, क्या नहीं, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, 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 नहीं मालिक, नहीं। कान खोल कर सुन लो पाखों जी, तुम्हें जुर्माना देना होगा। जुर्माना? तुम कोई अनोखे तो हो नहीं, औरों के जानवरों पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है। तुम्हें 25 रूबल अदा करने होंगे, समझे? मालिक मालिक, ये तो बहुत भारी दंड दे दिया आपने, इतने में तो नई जमीन खरीदी जा सकती है। मालिक, तुम्हें ये जुर्माना देना होगा, कल तक मालकिन के पास रकम पहुंच जाए, समझे? अच्छा मालिक, करूंगा कहीं से जोड़ तोड़। यूं ही जोड़ तोड़ करता रहा, जब कुछ जमीन खरीदी तो गांव वालों ने चैन नहीं लेने दिया। क्या क्या मैं वो सब भूल सकता हूं जब? पाखौन, पाखौन। क्या है? अरे तुम यहां बैठे सुस्ता रहे हो और वहां तुम्हारे खेतों के किनारे लगाए तुम्हारे पेड़ कटे पड़े हैं। हैं? अरे पेड़ों की छाल उखड़ी पड़ी है, नाच के पौधे रौंदे हुए हैं। क्या कहा? खेत बर्बाद कर दिए उन दुष्टों ने। मैं जानता हूँ ये किन का काम है। ये हरकत मेरे पड़ोसियों की है, मैं उन्हें अदालत में ले जाऊंगा। पाखौन, अदालत में गवाही चाहिए, तुम कहां से लाओगे गवाही? अरे भाई, सारा गांव तुमसे जलता है, तुम्हें दुश्मन मानता है। हाँ, पहले भी तो तुम गांव के कई किसानों को अदालत पहुंचा चुके हो, इसीलिए अब ये सब मिलकर तुम्हें इस तरह तंग कर रहे हैं। मैं जानता हूं इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुखिया इनसे मिला हुआ है, पुलिस कचहरी में भी इन्हीं की बात सुनी जाएगी। ठीक है ठीक है, सब कुछ मैं खुद ही संभालूंगा, खुद ही संभालूंगा। अब तो पैर अकड़ने लगे। ये गर्मी तो आज मार ही डालेगी, लेकिन रुके तो गए भैया। सूरज डूबने में अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे का कष्ट और जीवन भर का आनंद। उस मुसाफिर ने ही तो जमीन हासिल करने की ललक मेरे मन में पैदा की थी। कैसी अंधेरी
ठंडी रात थी। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, दरवाजा खुला है। शुक्रिया भाई, बाहर तो बला की सर्दी है। लेकिन आप कौन है? मैं एक किसान हूँ, सफर पर निकला हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे रात भर के लिए आपके यहाँ जगह मिल सकेगी? क्यों नहीं, आराम से बैठिए, मैं अभी सारा इंतजाम किए देता हूँ। आप पहले खाना खाइए, फिर बातें होंगी। इधर आ जाइए आपके पास। शुक्रिया, मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूंगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा ये तो बताइए कि किधर से आना हुआ आपका? मैं बोलगा नदी के पार वाले इलाके से आ रहा हूँ, मैं वही नौकरी करता था। वहाँ जमीन कैसी है? जमीन दोस्त, वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है। जो नया आदमी बसने के इरादे से वहाँ जाता है उसे 25 बीघा जमीन मुफ्त दी जाती है। मुफ्त? हाँ मुफ्त। जमीन भी ऐसी, क्या उसमें गेहूं की फसल, वाह वाह गगा कर होती है। अच्छा? हाँ, कुछ दिनों पहले वहां एक इतना गरीब किसान आया था कि उसके पास काम करने वाले दो हाथों के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ। वही अब 150 बीघे जमीन में गेहूं उगाता है। सच? हाँ, पिछले साल उसने अपने गेहूं से ही 5,000 रूपल कमाए थे। 5,000 रूपल? हाँ। अच्छा, एक साल में 5,000 रूपल, वो भी सिर्फ गेहूं से? हाँ, अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है, तुम भी कमा सकते हो, वहां जाकर देखो तो। अच्छा दोस्त, रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले मैं तुम्हारे वास्ते खाने के लिए कुछ ले आऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा। और नताशा कितना खुश हुई थी जब मैंने उसे बतलाया था कि क्या हुआ? हमें 125 बीघे जमीन मुफ्त मिल गई। मुखिया का गला थोड़ा तर कर दिया, वो खुश हो गया। अरे जानवरों के चरने को एक चरागाह भी मिल गई। इतनी जमीन? और नहीं तो क्या। अरे वहाँ की जमीन से दुगनी तो यहाँ मुफ्त में ही मिल गई हमें। हाँ। सुनो। हाँ? अब एक अच्छा सा घर बना लो। हाँ। और हाँ, कुछ जानवर खरीद लो। ये सारा इंतजाम कर चुका हूँ नताशा, यहाँ हमारी जिंदगी वहाँ से लाख गुनी अच्छी रहेगी। खुदा की कुदरत है जी। मैंने अपने घेरे के दो लंबे हिस्से पूरे कर लिए हैं। इस दिशा में भी लगभग 12,000 गज दौड़ चुका हूं। गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लो। अब आखिरी हिस्से को छोटे रास्ते से पूरा करना ठीक रहेगा। सूरज काफी ढल चुका है और टोपी कम से कम 15,000 गज दूर है। नहीं, अब जमीन चाहे जितनी अच्छी मिले और अधिक नहीं घेरूंगा, नहीं घेरूंगा। ओफो, अब तो पैर जवाब दे रहे हैं। आए हाय, सारे तलवे छिल गए। नहीं, मुझे टोपी तक पहुंचना होगा, जरूर पहुंचना होगा।
क्या क्या सौदागर की बात छलावा थी? आइए आइए, यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना। तशरीफ रखिए। कहिए क्या बात है? मैं आपके घोड़े खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी नस्ल के हैं, आप इनकी क्या कीमत लेंगे? ये बातें बाद में होंगी, पहले ये बताइए कि आप आ कहां से रहे हैं? अच्छा, मैं बहुत दूर बाशकीरों के देश से आ रहा हूँ। वहां मैंने हाल ही में 1,000 रूबल में 15,000 एकड़ जमीन खरीदी है भाई। अरे वाह, इतनी सस्ती जमीन! क्या ये जमीन उपजाऊ है? हाँ। क्या इसमें गेहूं पैदा होता है क्या? अरे अरे, सब बतलाता हूँ। देखिए, मैंने वहां के बुजुर्गों को लंबे कोट, कालीन और चाय के डिब्बे तोहफे के तौर पर दिए। और 100 रूबल वहां के दूसरे लोगों में बांट दिए। अच्छा, और जिन्होंने अपना गला तर करने की ख्वाहिश जाहिर की उन्हें वोडका पिला दी। फिर बस वे सब बेहद खुश हो गए और मुझे 20 कोपेक में 2.5 एकड़ के हिसाब से जमीन मिल गई। सच कह रहे हैं? अब भाई, तुम्हें यकीन नहीं हो तो ये देखिए, ये पक्के कागजात देखिए। अरे ये तो ठीक है, लेकिन वो जमीन है कैसी? अरे बहुत उपजाऊ है भैया, बहुत उपजाऊ है। नदी के किनारे की जमीन है भाई, खुली और हरी घास से भरी हुई। बाशकीरों की सारी जमीन ही ऐसी है। हाँ, एक बात और है, वहां के लोग बड़े भोले हैं। आप बड़ी आसानी से सस्ते में ही उनसे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वहां पहुंचने का रास्ता भी तो बतला दीजिए। वो तो बतला ही दूंगा दोस्त, लेकिन आपने घोड़ों के बारे में अपनी राय नहीं बताई। घोड़े घोड़े आप जब चाहे ले जाइए और जो चाहे दे दीजिए। तो ठीक है, मैं कल आकर घोड़े ले जाऊंगा और तभी आपको बाशकीर का रास्ता समझा दूंगा। अच्छा, अब चलता है। अच्छा, सूरज डूबने वाला है। अब तो पांव उठते ही नहीं। ये पानी का बर्तन, ये जूते, ये टोपी, अब और क्या फेंक दूं? मैं इतनी जमीन देखकर कितना खुश था, लेकिन अब लगता है सब लुट गया। मैं अब गांव के मुखिया की टोपी तक नहीं पहुंच सकूंगा। कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा? नहीं, क्या वो भयानक सपना सच हो जाएगा? जो इतनी जोर से हंस रहा है, चलकर देखूं। अरे, ये तो गांव का मुखिया है। ये तो हंसते हंसते लोटपोट हुआ जा रहा है। इस वक्त इस तरह हंसने की क्या वजह हो सकती है? चलकर पूछो, आखिर बात क्या है? सुनिए, क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त इस तरह आपके हंसने की वजह क्या है? अरे, ये तो सौदागर है जो हाल ही में मुझसे मिलने आया था। दोस्त, क्या वही है जो मुझसे मिलने मेरे घर आए थे और मेरे घोड़े खरीदे थे? बात है, ये क्या हो रहा है? ये आदमी तो वही किसान है जो सबसे पहले मेरे पास बोलगा के पास से आया था। मेरी आंखों को ये क्या हो गया है? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो सींगों वाला शैतान है जो किसी तरफ टकटकी लगाए हंसे जा रहा है।
इससे कुछ भी पूछना बेकार है, ये कोई जवाब नहीं देगा। ये क्या देखकर इतना हंस रहा है? देखूं, ये सामने कौन लेटा हुआ है? नंगे पैर, नंगे सिर, सफेद चेहरा। तो इसे ही देख देख कर ये शैतान हंस रहा है। ये तो मैं खुद ही यहां पड़ा हुआ हूं। मेरी ये हालत, लमिको, मालिक क्या बात है, आप चीख रहे? लोमिको, मैंने एक भयानक सपना देखा है, कोई शैतान। शैतान? कैसा शैतान है? अरे मालिक, आप सपने से डर गए होंगे। लेकिन लोमिको, कहते हैं कि सुबह का सपना सच्चा होता है। अरे छोड़िए भी मालिक, सपने भी कहीं सच हुआ करते हैं। लोमिको, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, नताशा मेरा इंतजार करती होगी। अरे कुछ नहीं होगा मालिक, कुछ नहीं होगा, अब आप सो जाइए। अच्छा, कोशिश करता हूँ। सूरज जमीन की कोर को छूने वाला है, वो रही टोपी जिसमें मेरे 1000 रुपए रखे हैं, ये गांव मुखिया ही तो है, दोनों हाथों से पेट दबाए हंस रहा है। अरे ये तो वही सपने वाला शैतान है, शैतान, शैतान, मेरा दिल कह रहा है तो मैंने खुद को मार डाला, लेकिन नहीं, दौड़ूंगा वहां तक जरूर पहुंचूंगा, दौड़ूंगा। मैंने टोपी, शाबाश नौजवान, शाबाश, तुमने सचमुच बहुत जमीन हासिल कर ली। मालिक उठिए, ये क्या आपके मुंह से खून? मालिक, ये आपने क्या किया? मालिक लो ये फावड़ा उठाओ और अपने मालिक को दफना दो, इसे चाहिए सिर्फ 2 गज जमीन। दो गज जमीन, अभी आपने लेव तोल्स्टाई की सुप्रसिद्ध कहानी हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतर श्री तपेश चतुर्वेदी ने किया था, निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, बी आर नागर, बलराज बट्टा, एस पी शुक्ला, सुरेंद्र वर्मा, कमल साथी, ललित पारिमू, सुनीति कोहली और रश्मिधर। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।